क्या आप जानते हैं किस राज्य में लोगों की आमदनी बढ़ रही है, किस राज्य में लगभग शून्य बेरोजगारी है, कौन सा राज्य महामारी के दौरान भी आर्थिक संकट से लगभग अछूता रहा? ये वो राज्य भी है जिसकी नीतियों के लिए प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ की। और एक ऐतिहासिक उपलब्धि में राज्य के लोगों की आय में लगभग 12% की वृद्धि हुई है। 12% का आंकड़ा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप इस तथ्य को समझते हैं कि पूरा देश महंगाई और केंद्र की नाकाम आर्थिक नीतियों के कारण आय में गिरावट से जूझ रहा है। जनहितैषी नीतियां बनाने से भी राज्य को भारी लाभ हुआ है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2,49,683 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,78,496 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यदि 2010-2011 की स्थिर दर पर राष्ट्रीय औसत के साथ तुलना की जाए तो छत्तीसगढ़ की GSDP भी 11.54% बढ़ने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय औसत 9.2% रह गई और GSDP में वृद्धि का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि कृषि, सेवा और उद्योग क्षेत्र सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और राज्य के विकास में योगदान दिया है। जब आप कांग्रेस का चुनाव करते हैं तो आप सुशासन का चुनाव करते हैं। आपका विकास पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं।